सभी को प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में जय मसीह की। आज मैं परमेश्वर के वचन से आप सबसे कुछ बातें करना चाहता हूँ। एक बार एक व्यभिचारी औरत को लोगों ने प्रभु यीशु मसीह के पास ले आया और वे प्रभु यीशु मसीह से कहने लगे, हे उस्ताद, हमारे शरीयत में लिखा है कि ऐसी औरत को तो पत्थरों से मार देना चाहिए, बता हम क्या करें। उस समय प्रभु यीशु मसीह कुछ नहीं कहते हैं, बल्कि ये बोलते हैं कि तुम में से जो भी बेगुनाह हो, जिसने कभी पाप ना किया हो, वो पहला पत्थर इस औरत को मारे। एक एक करके सारे चले जाते हैं और कोई भी उस औरत को पत्थर नहीं मारता है, केवल यीशु मसीह अकेला रह जाता है। मेरे प्रियो, वहाँ पर कोई भी ये नहीं कहता है कि मैंने कभी पाप नहीं किया है, इसलिए सब कोई मुड़कर चला जाता है। वहाँ पर प्रभु यीशु मसीह अकेले रहते हैं। एक बात हमें जानना चाहिए कि प्रभु यीशु मसीह इस संसार में मानव रूप में थे, लेकिन उन्होंने कभी पाप नहीं किया। वो चाहते तो उस पत्थर को उठा करके औरत को मार सकते थे, लेकिन उन्होंने उस औरत पर पत्थर नहीं चलाया, बल्कि उससे कहा कि जा, तेरे गुनाह माफ हुए। इसलिए मैं आप सबसे बताना चाहता हूँ कि मनुष्य हमारे गुनाहों को क्षमा नहीं करता जैसा प्रभु यीशु मसीह हमारे गुनाहों को क्षमा करते हैं। मनुष्य हमारे गलतियों को एक से दो बार क्षमा करता है, परंतु परमेश्वर हमारे हजार गलतियों को भी क्षमा करता है। सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह।